और अब फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अयोध्या आएंगे। धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश रामलला मंदिर, कुबेर टीला और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी और सीतापुर में चुनावी जनसभा की। कहा कि जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, जो राम मंदिर को बेकार बताते हैं, उनको सत्ता में आने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में नुक्कड़ सभाएं कर भाजपा पर हमला बोला। कहा कि हिंदू आबादी घटने और मुस्लिमों के बढ़ने की रिपोर्ट मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। मायावती उत्तर प्रदेश के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगी। मायावती लगातार चुनाव प्रचार को धार दे रही है। रायबरेली लोकसभा सीट का सियासी तापमान बढ़ने वाला है। भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के लिए अमित शाह 12 मई को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी लालगंज के एहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली से प्रत्याशी राहुल गांधी आज राजधानी में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संविधान रक्षा और न्याय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आपके नेता संजय सिंह आज सपा अध्यक्ष और कन्नौज से प्रत्याशी अखिलेश यादव के समर्थन में उनके साथ साझा चुनावी सभा करेंगे। पांचवें चरण के लिए तैयार अमेठी का सियासी रण दिलचस्प होता जा रहा है। इस बार भी खुद प्रत्याशी बने बिना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव मैदान में है। स्मृति दोबारा भाजपा से मैदान में है, जबकि उनके सामने गांधी परिवार ने केएल शर्मा को उतारा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने निर्णय में कहा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं कि अभियुक्त मामले में निर्दोष है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने और समाज में नफरत के बीज बोने का काम किया है, उसकी काली करतूतों से जनता वाकिफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी बंगलों को पार्टी दफ्तरों में मिलाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार खुद अपनी संपत्तियों की देखभाल करने के लिए सचेत है। रायबरेली खीरो थाना क्षेत्र में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार चार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। लोकसभा चुनाव के तीन चरण पूरे हो चुके हैं, अब चार चरणों का चुनाव शेष बचा है। इन चार चरणों में यूपी के 54 सीटों के लिए मतदान होना है, लेकिन सबसे अधिक दलित वोट बैंक को लेकर जंग छिड़ी है। राम नाम की पूंजी वाले अयोध्या के अनोखे बैंक को अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कवायद शुरू की गई है। ये अनोखा इसलिए है क्योंकि इस बैंक में धन दौलत नहीं बल्कि राम नाम की पूंजी जमा होती है। उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुलने जा रहे हैं। कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग का विरोध किया। ईडी ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा, चुनाव प्रचार का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक। अयोध्या के लिए सस्ती उड़ानों के साथ ही लग्जरी बस सेवा भी शुरू होगी। उड़ानों का किराया 1 से 1.5 हजार के बीच होगा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत अयोध्या के लिए लखनऊ से सस्ती उड़ानें जल्द शुरू। काशी नगरी में घाटों पर अद्भुत और आकर्षक नजारा दिखा। दशाश्वमेध घाट के गंगा पार रेती पर 1000 ड्रोन उड़ी। ड्रोन शो में कमल का फूल, गंगा विलास क्रूज सहित नमो घाट का दृश्य देखकर हर कोई मुग्ध हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस अपराध में अधिकतम सजा 10 वर्ष है, उसमें विचाराधीन अभियुक्त का 6 साल जेल में काट लेना तथा ट्रायल पूरा करने के लिए और समय मांगना न्याय के साथ मजाक है। एयर इंडिया एक्सप्रेस संकट के बीच लखनऊ से 6 उड़ानें निरस्त हुई। लखनऊ से मुंबई के बीच एयर इंडिया की 3 उड़ानें निरस्त हुई, तो वहीं हैदराबाद की 2 उड़ानें निरस्त हुई। दिल्ली से लखनऊ के बीच 1 उड़ान निरस्त रही।